हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सैमसंग GT S5222 की जम्पर चार्जिंग बनाना बताएंगे कि जब हमारे पास सेम कनेक्टर नहीं होता है तो हम जम्पर चार्जिंग किस तरह से बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे सैमसंग की प्लेट में जो है वो 7 पिन है और हमारे कनेक्टर में जो है वो 5 पिन हैं, इसलिए हम चाइना कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं इसकी जम्पर चार्जिंग बनाने में। तो दोस्तों, इसे जंपर चार्जिंग बनाते कैसे हैं ये आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले आप मेरा वीडियो देखें। हिंदी इंडिया टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने चाइना कनेक्टर में 2 जंपर लगाएँगे जो पहले पिन पर और 5वें पिन पर होगा। इस तरह से जंपर लगाएँ, बाकी की 3 पिन को हम छोड़ देंगे क्योंकि चाइना कनेक्टर जो है वो 5वें पिन और पहले पिन से ही चार्जिंग जो है वो बन जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर इसे माइनस पिन जो अपना है उसे हम यहाँ पर सोल्ड कर लेंगे। इस जगह पे हमने अपना माइनस पिन दे दिया है। अब प्लस पिन जो है वो अब हम सोल्ड करते हैं। ये देखिए, हमारी प्लेट में जो है 7 पिन लगे हुए हैं। ये देखिए, इस तरफ से पहले नंबर पे जो पॉइंट दिया हुआ है उस पर हम पहला पॉइंट दे देंगे, यानी कि प्लस पॉइंट लगा देंगे। इस तरह से हमारे फ़ोन की चार्जिंग जो है वो बन जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये माइनस पिन लगा हुआ और ये पहले पिन पॉइंट पर प्लस पिन लगा हुआ है। इसी तरह से दोस्तों, आपको भी अपने फ़ोन में चार्जिंग बनाना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने फ़ोन की जो चार्जिंग है वो अब चेक कर लेते हैं कि हमारी जंपर चार्जिंग जो है वो बन चुकी है या फिर नहीं बनी हुई है। ये जंपर चार्जिंग दोस्तों इसलिए मैंने बनाई है क्योंकि मेरे पास सेम कनेक्टर नहीं था, इसलिए मैंने चाइना कनेक्टर लगाया। ये देखिए दोस्तों, हमारी चार्जिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और मुझे बनाने में काफ़ी तकलीफ़ भी हुई, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको भी इसमें बनाने में कोई दिक्कत हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। ये देखिए, हमारे फ़ोन की जो है चार्जिंग हो रही है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।